हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग एक नया आईपीओ जो आज के दिन लॉन्च हुआ है उसके बारे में बात करने वाले हैं, तेगा इंडस्ट्रीज। तेगा इंडस्ट्रीज बहुत ही अच्छा आईपीओ है। अगर इसके बात करते हैं फाइनेंशियल्स के बारे में, ठीक है, और इसके प्रमोटर्स के होल्डिंग्स के पैटर्न के बारे में और इसके बिजनेस के बारे में, तो ये काफी यूनिक बिजनेस इंडस्ट्रीज है और जिसका आपको सुनकर के आपको ये ताज्जुब होगा या सरप्राइजिंग एलिमेंट होगा कि इसके जो भी मेजर रेवेन्यूज है वो इंडिया के अलावा ग्लोबल कंट्रीज से सबसे ज्यादा है। तो ये काफी अच्छा बढ़िया फैक्टर है। और बस एक इसमें ड्रॉबैक भी ये भी है कि अगर इंडिया के कोई भी कॉम्प्लायंसेस चेंज होते हैं तो इस पर कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं आएगा, लेकिन अगर वर्ल्ड की कोई कॉम्प्लायंसेस अगर चेंज होते हैं तो ऐसी कंडीशन में इस कंपनी में कोई बड़ा इफेक्ट आ सकता है। बाकी प्रॉफिट्स काफी अच्छे हैं, फाइनेंशियल्स काफी अच्छे हैं, जिसके बारे में हम लोग अभी आगे देखेंगे। पहला देखते हैं आईपीओ के बारे में, इसका ओपनिंग डेट क्या है। आपको सभी को पता है आज की डेट ये लॉन्च हो रहा है, मैं वीडियोस भी आज ही के दिन डाल रहा हूँ। 1 दिसंबर 2021 आज के दिन ये लॉन्च हो रहा है, 3 तारीख को ये क्लोज हो जाएगा। साथ ही साथ अगर देखें तो अलॉटमेंट की जो डेट है वो 8 तारीख को है, और जिनको भी अलॉटमेंट मिल जाता है तो उनको आपका डीमैट में 10 तारीख को 10 दिसंबर को उन लोगों के डीमैट में शो होने लगेगा। अदरवाइज जिनको भी अलॉटमेंट नहीं होता है तो ऐसे कंडीशन में 9 तारीख को जो कि बैंकिंग वर्किंग डे है, 9 तारीख को आप लोगों का पैसा रिफंड इनिशिएट हो जाएगा। और डिपेंड करता है, देखिए कभी कभी होता है कि बैलेंस एक दिन में नहीं आ पाता है उसी डेट पे, ये बैंकिंग सर्वर के इश्यूज होते हैं, लेकिन बाद में आप देखेंगे नेक्स्ट 24 आवर्स में आपके पैसे आपके बैंक में प्रोवाइड वापस कर दिए जाते हैं। और आईपीओ की जो लिस्टिंग डेट है एनएससी और बीएससी में, ध्यान रहे आपको एनएससी बीएससी दोनों में इसकी लिस्टिंग होगी और 13 दिसंबर 2021 को इसकी लिस्टिंग हो जाएगी। हम आगे आते हैं इस आईपीओ के बारे में, थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री जानते हैं, इस कंपनी के बारे में जानते हैं। एस्टैब्लिश्ड इन 1976, मतलब ये कंपनी बहुत सा पुरानी कंपनी है, 1976 से ये अपना बिजनेस कर रही है। तेगा इंडस्ट्रीज इज अ लीडिंग मैन्युफैक्चरर एंड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ स्पेशलाइज्ड क्रिटिकल एंड रिकरिंग कंज्यूमेबल प्रोडक्ट्स फॉर द ग्लोबल मिनरल बेनिफिशिएशन माइनिंग एंड बल्क सॉलिड्स हैंडलिंग इंडस्ट्री। मतलब कि 1976 में ये बिजनेस में है और इसका जो कंज्यूमेबल प्रोडक्ट्स है वो कि ग्लोबल मिनरल बेनिफिशिएशन माइनिंग एंड बल्क सॉलिड्स में डील कर रही है। और ग्लोबली अगर देखें 2020 के हिसाब से तो वो आगे दिखाया गया है, ग्लोबली तेगा इंडस्ट्रीज आर सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द पॉलीमर बेस्ड मिलनर्स बेस्ड ऑन रेवेन्यूज फॉर ईयर 2020। अगर 2020 के हिसाब से देखें तो पॉलीमर बेस्ड मिनरल्स में ये ग्लोबल इंडस्ट्रीज में सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर रहा है। तो ये काफी बड़ी बात है क्योंकि 2020 में अगर कोई भी अदर इंपैक्ट भी देखा जाए वर्ल्ड के क्राइसिस का, कोविड इंपैक्ट की वजह से, लेकिन तब भी ये सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है आपके पॉलीमर बेस्ड मिनरल्स का। तो ये सबसे बड़ा पॉइंट है और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें। अब सेकंड देखते हैं, द कंपनी ऑफर्स अ वाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो। कंपनी ऐसा नहीं है कि आपके पॉलीमर बेस्ड मिनरल्स जो है उसी पे आपके प्रोडक्शंस करता है, इसके अलावा इसके बहुत सारे पोर्टफोलियोज हैं और कौन कौन सी चीजों में है आप देख सकते हैं। स्प्लाइज्ड एब्रेशन एंड वियर रेजिस्टेंस रबर, ये रबर में भी है, और पॉलीरेथेन एक प्रोडक्ट होता है। स्टील एंड सेरेमिक बेस्ड लाइनिंग कंपोनेंट्स यूज्ड बाय देयर कस्टमर्स अक्रॉस डिफरेंट स्टेजेस ऑफ माइनिंग एंड मिनरल प्रोसेसिंग। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि ये अलग अलग चीजों में, रबर में भी है, पॉलीरेथेन में भी है, स्टील में है और सेरेमिक बेस्ड लाइनिंग कंपोनेंट्स जो कि आपके बहुत सारे मटेरियल्स होते हैं उनकी लिस्ट आप गूगल पे सर्च कर सकते हो। तो उन सभी चीजों पे भी ये काफी स्टेजेस में और काफी प्रोसेसिंग में। तो आप मैन्युफैक्चरिंग में देखें तो एक प्रोसेस नहीं, कई प्रोसेसिंग के प्रोडक्ट्स में ये डील करती है और उनपे ये आपका मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो और आगे देखते हैं, स्क्रीनिंग ग्राइंडिंग एंड मटेरियल हैंडलिंग, ये सारी चीजें आप इस पे देख सकते हो। और इसका और डिटेल चाहिए होता है तो आप गूगल पे जाके और सर्च कर सकते हो इस कंपनी के बारे में। बाकी जितना पोर्टफोलियो के हिसाब से मैंने आपको बताया, ये कंपनी काफी अच्छी है और इनका बेनिफिट जो कि मेन कोर फोकस है वो प्रोडक्शन का ही है। द कंपनीज प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो कंप्राइज मोर देन 55 मिनरल प्रोसेसिंग एंड मटेरियल हैंडलिंग प्रोजेक्ट। तो आप प्रोसेसिंग और मटेरियल हैंडलिंग प्रोजेक्ट देखें तो 55 से ज्यादा आपके प्रोडक्ट्स ये कंपनी डील करती है। अब देखते हैं, द कंपनी हैज 6 मैन्युफैक्चरिंग साइट्स। अब कंपनी के 6 मैन्युफैक्चरिंग साइट्स हैं। अब इंडिया में कितनी है और वर्ल्ड में कितनी है इसके बारे में जानेंगे। इंक्लूडिंग 3 इन इंडिया, केवल इंडिया में 3 है, जिसमें दहेज गुजरात में है और दूसरा शामली और कल्याणी में जो कि वेस्ट बंगाल में वहां पर है। और 3 साइट्स देखेंगे, मेजर माइनिंग हब जो है वो चिले साउथ अफ्रीका में है और ऑस्ट्रेलिया विद द टोटल बिल्डअप एरिया 74255 स्क्वायर मीटर्स। तो ये आप लोगों का अगर मेजर प्रोडक्शन के बारे में देखें तो ये आपका चिले साउथ अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है। और आगे हम लोग देखते हैं, इन द लास्ट 3 फिसल्स, अगर पिछले 3 सालों से हम लोग देख लें जो कि फाइनेंशियल ईयर्स होते हैं, द कंपनी हैज
प्रेजेंस इन 513, 498 and 479 इंस्टॉलेशन साइट्स ओवर 70 कंट्रीज, ये 70 देशों में फैल चुका है और इसकी यूनिट्स आप लोगों को सामने दिख रही है। मेजोरिटी ऑफ द कंपनीज रेवेन्यू 86.42% इन 2021 कम्स फ्रॉम ऑपरेशन आउटसाइड इंडिया। मैंने पहले ही बताया था जब वीडियो की स्टार्टिंग की थी, इसका मेजर पोर्शन जो होता है, मेजर रेवेन्यू पोर्शन होता है वो इंडिया के बाहर से होता है। तो 86.42 मतलब 86.5% आप ये मानिए कि इसके जो भी रेवेन्यूज होते हैं वो ग्लोबल इंडस्ट्रीज से होते हैं, ना कि इंडिया से होते हैं। तो ये काफी अच्छी बात है, अगर ग्लोबल सिनेरियो सब कुछ सही रहा तो इस कंपनी का अगर जो आगे का पैरामीटर है, आगे का जो फीडबैक है वो काफी अच्छा रहेगा। द कंपनी हैज 18 ग्लोबल एंड 14 डोमेस्टिक सेल्स ऑफिसेज, आपके ये ऑफिसेज के बारे में बता रहे हैं, जो कि 18 ग्लोबल और 14 आपके डोमेस्टिक सेल्स ऑफिसेज है जो कि की कस्टमर एंड माइनिंग साइट्स, और साथ ही साथ इसके की कस्टमर भी हैं और माइनिंग साइट्स भी है। अब तेगा इंडस्ट्रीज आर फर्दर एक्सपेंडिंग देयर ऑपरेशंस इन मेजर मार्केट इंक्लूडिंग नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ अफ्रीका, और साथ ही साथ ये अपने जो भी माइनिंग के बिजनेस हैं, जो भी आपके ऑपरेशंस हैं वो फैलाना चाह रही है नॉर्थ अमेरिका में, साउथ अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में और साउथ अफ्रीका में। तो इस तरीके से अगर हम कंपनी की हिस्ट्री और कंपनी का बैकग्राउंड के बारे में जान रहे हैं जो इतने सालों से काम कर रही है, अप्रोक्सीमेटली अगर हम देखें तो 35 ईयर से ये कंपनी काम कर रही है, तो ये काफी अच्छा एक फीडबैक देखा जा सकता है उस कंपनी के बारे में। और कंपनी ऑलरेडी प्रॉफिट मेकिंग है, बहुत अच्छे से रेवेन्यूज भी कर रही है, और आगे इसके हम लोग अगर स्ट्रेंथ देखते हैं, कॉम्पिटेटिव वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पॉलीमर बेस्ड मिनरल्स, अगर हम वर्ल्ड के लार्जेस्ट देखें प्रोड्यूसर है ये पॉलीमर बेस्ड आपके मिनरल्स का, जो कि लाइनर्स में, मतलब उसी लाइन में, उसी इंडस्ट्री में ये आपका वर्ल्ड का लार्जेस्ट पॉलीमर बेस्ड मिनरल्स है। आगे देखते हैं प्रोडक्ट्स कैटर टू आफ्टर मार्केट स्पेंड प्रोवाइडिंग रिकरिंग रेवेन्यूज, और इसको रिकरिंग रेवेन्यूज होती रहती हैं और ये मार्केट में रिकरिंग रेवेन्यूज कर रहा है, बार बार इसके रेवेन्यूज भी हो रहे हैं, ये आपका सबसे अच्छा बड़ा स्ट्रेंथ है कि ऐसा नहीं कि इसका प्रोडक्ट एक बार एक्सेप्टेबल हुआ फिर उसके बाद ये उसमें थोड़ा क्राइसिस में आ गए, इनका रिकरिंग बेसिस पर इनके रेवेन्यूज हो रहे हैं। इन हाउस R&D एंड मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज आर स्ट्रॉन्ग फोकस ऑन क्वालिटी कंट्रोल, इनका जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट आपका और मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज है वो ज्यादा से ज्यादा फोकस करती है इनके क्वालिटी कंट्रोल पे। तो ये इनका सबसे मेजर पॉइंट है कि ये क्वालिटी कंट्रोल पे ज्यादा बिलीव करती है और उस पर किसी भी तरीके का कोई भी इम्पैक्ट आने नहीं देती है। आगे देखिए ग्लोबल कस्टमर बेस एंड स्ट्रॉन्ग ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग सेल्स कैपेबिलिटीज, इसका ग्लोबल कस्टमर बेस जो कि सबसे बड़ी खासियत है इसका, पूरे कई कंट्रीज में, जैसा कि हम लोगों ने लास्ट स्लाइड में देखा कि कई कंट्रीज में इनका ग्लोबल क्लाइंट्स हैं और इनका सेल कैपेबिलिटीज भी काफी अच्छी है उनके साथ। अब कंसिस्टेंट मार्केट ग्रोथ, और मार्केट ग्रोथ भी इनकी कंटिन्यूअसली हो रही है और ऑपरेशनल एफिशिएंसी भी बढ़ती चली जा रही है। एक्सपीरियंस मैनेजमेंट टीम सपोर्टेड बाय अ लार्ज एंड डाइवर्सिफाइड वर्कफोर्स, एक्सपीरियंस मैनेजमेंट है और जो कि सपोर्टिव है, और साथ ही साथ इनका बहुत सारे डाइवर्सिफाइड मतलब अलग अलग सेगमेंट में अलग अलग वर्क के लिए अलग अलग फोर्स मैनेजमेंट है। तो ये सबसे अच्छा कॉम्पिटेटिव स्ट्रेंथ रहा है इस कंपनी के बारे में। आगे हम लोग और देखते हैं कंपनी के फाइनेंशियल, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है किसी भी कंपनी में, किसी भी आईपीओ में पैसा लगाने से पहले, जिसका हम लोग एक नॉर्मल सी समरी देख लेते हैं, जहां पे आपको 2019-20 और मार्च 21 तक का भी दिया और साथ में जून का, आपके अगले जो दो महीने हैं नेक्स्ट क्वार्टर का, उसका भी आपको दिया गया। तो अगर हम लोग देखें यहाँ पे टोटल एसेट्स के बारे में, एसेट देखिए आप लोग लगातार बढ़ रही है, 31 मार्च 2019 में आपका 7902 था, फिर उसके बाद 20 8873 मिलियंस था, और 10,183 मिलियंस आपका 31 मार्च, मतलब कि आपका फर्स्ट पहले इयर्स में अगर 19-20 की बात करें तो इसमें आपका अप्रोक्सीमेटली 900 मिलियन का आपका प्रॉफिट किया है, ठीक है, एसेट्स जो है इंक्रीज किए हैं। और साथ ही साथ आपका नेक्स्ट देखें तो 1200 के अप्रोक्स में मिलियंस में इन्होंने अपने एसेट्स को इम्प्रूव किया, एसेट्स को बढ़ाया। तो अब रेवेन्यू में बात करते हैं कि 6430 आपके 2019 में रेवेन्यूज थे, वो आपके बढ़े हैं 6955, मतलब कि अच्छा आपका ग्रोथ रहा है। और साथ ही साथ आप 31 मार्च 2021 में देखें, जबकि कोविड का इंपैक्ट भी था, उसके बावजूद 8566 का इसने रेवेन्यू जनरेट कर लिया है, जो कि काफी अच्छा मेजर पॉइंट माना जाएगा कि रेवेन्यू जनरेशन के कंडीशन में। अब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है, 326 आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपका 31 मार्च 2019 में था, उसके बाद लगभग आप देख रहे हैं डबल का प्रॉफिट इन्होंने किया 31 मार्च 2020 में, और 20 में जितना इन्होंने प्रॉफिट किया था उसका फिर से डबल प्रॉफिट आपका किया है 31 मार्च 2021 में। तो इस हिसाब से अगर इनका फाइनेंशियल देखें तो काफी स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल एनालिसिस हम लोगों को यहाँ पे दिख रहा है। तो और इसी तरीके से अगर हम कंपनी के
पी रेशियो की मैं बात करूं तो कंपनी का पी रेशियो आपका 64 के अप्रोक्सीमेट आ रहा है, जो कि काफी अच्छा मेरे हिसाब से कंपैरिजन है और आप इस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हो। अब आते हैं जो कि बेसिक चीजें थी आईपीओ के बारे में, हम लोगों ने सब कुछ देखा। आईपीओ की लॉट साइज के बारे में बता देता हूँ, इसका जो लिस्टिंग प्राइस है वो आपका 440 लिस्टिंग नहीं, जो इसका आईपीओ का ऑफर प्राइस है वो 443 से 453 पर इक्विटी शेयर रहेगा, जिसमें मार्केट लॉट जो शेयर है आपके 33 शेयर रहेंगे और मिनिमम जो लॉट भी आप लगा सकते हो एक लॉट में 33 शेयर्स का आप लॉट लगा सकते हो। एससी बीएससी दोनों में आपके ये लिस्टेड होगी और 13669 इक्विटी शेयर्स का 10 रुपए के प्राइस पे आपका आईपीओ आ रहा है, जिसका अगर प्राइस देखे तो 619.23 करोड़ का आपका ये आईपीओ जो कि ऑफर फॉल सेल करके आपके पास आ रहा है। तो अगर एक लॉट आप लेते हैं अगर एज लॉट आप लेते हैं 33 शेयर्स के कट ऑफ में, तो आपका जो प्राइस आता है अप्रोक्सीमेटली 14,949 का ये आईपीओ पड़ेगा, जब भी आप इसके लॉट के लिए अलॉटमेंट करना चाहोगे। अब हम देखते हैं आगे इसके प्रमोटर होल्डिंग के बारे में और साथ ही साथ इसका देखते हैं कि क्या इसका ऑब्जेक्टिव है इसको लिस्ट कराने का। अब मैं आपको अगर बताऊं, देखिए कंपनी हमेशा से ही प्रॉफिट में रही है, कंपनी को कोई भी ऐसा जरूरत तो मुझे नहीं लग रही है कि कंपनी को अपने फंड रेस करने की जरूरत है। ये फंड रेस कर रही है और साथ ही साथ उसका सबसे मेन ऑब्जेक्टिव मैं बताता हूँ, वन एंड वन ओनली एक ऑब्जेक्टिव जो कि मैंने एनालिसिस किया है कई न्यूज़पेपर से, कि इसका केवल एक एनालिसिस अगर मेरा भी ऑब्जर्वेशन देखूं तो ये केवल लिस्टिंग गेन लेना चाहती है स्टॉक एक्सचेंज में और बाकी कोई अदर ऑब्जेक्टिव नहीं है इस कंपनी का, क्योंकि प्रॉफिट मेकिंग पहले से ही है, कोई लॉसेस में नहीं है, अच्छे ग्रोथ कर रही है कंपनीज। तो और इसमें प्रमोटर होल्डिंग अगर प्री इशू शेयर होल्डिंग देखें जो अभी का पैटर्न है इशू के पहले का, 85.17% था प्रमोटर्स की होल्डिंग और इसी के शेयर इश्यूज जब हो जाएंगे पब्लिक में तो 79.17% जो कि काफी अच्छी प्रमोटर होल्डिंग्स है। तो आप लोग इस कंपनी में अच्छा, मेरा ओपिनियन है, पर्सनल ओपिनियन है कि आप इस कंपनी में पैसा लगा सकते हो। अगर आपको यह अलॉटमेंट मिला तो आपको एक अच्छा खासा लिस्टिंग गेन लगभग अप्रोक्सीमेटली 60 से 70% तक का आपको अप्रोक्सीमेटली आपको लिस्टिंग गेन पाने का मौका मिल सकता है। तो कोशिश करिए कि आप लोग इसको लिस्टिंग गेन को लेने के लिए आप इस आईपीओ को लगाइए। अगर आपके फैमिलीज में और भी डीमैट अकाउंट अगर ओपन नहीं है तो और भी डीमैट अकाउंट आप नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, वहां से आप डीमैट अकाउंट और भी ओपन कर सकते हो और अलग अलग डीमैट अकाउंट से एक एक लॉट आप लगा सकते हो। हो सकता है कि आपको नहीं मिले लेकिन दूसरे डीपी में आपको वो सारे बेनिफिट मिल जाए, हो सकता है आपको एक अलॉटमेंट हो जाए। तो मेरा जो ओपिनियन था मैंने आप लोगों को बोला, आपका कुछ और भी ओपिनियन हो सकता है। तो बाकी कंपनीज के फाइनेंशियल, कंपनीज के जो भी डेटा थे, कंपनी के जो भी फीडबैक्स थे वो मैंने आप लोगों को दिया। तो हैप्पी इन्वेस्टिंग, बने रहिए हमारे चैनल के साथ। वीडियो पसंद आई हो, डिटेल्स पसंद आई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और चैनल को आप शेयर भी कर सकते हैं चैनल के। तो थैंक यू सो मच, इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पे क्लोज करता हूँ। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट किसी पैटर्न में, नेक्स्ट किसी फाइनेंशियल सर्विसेज के साथ और एजुकेशनल स्ट्रीम के साथ। तो थैंक यू सो मच।